22 जनवरी जब भी आती थी यूं ही चली जाती थी, लेकिन आगे से 22 जनवरी जब भी आएगी लोग दिवाली की तरह सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि लगभग 500 सालों के बाद श्री राम की घर वापसी हो रही है। इस बात से पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग मुंह सड़ाए हुए बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने बुलाया है एक शख्स को। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरी बार इतना फालतू सवाल सुना है कि कैसे हैं आप। अबे राम मंदिर बन के खड़ा हो गया मैं, क्या मेरी आत्मा भी खुश होगी ना? इस शरीर पे आत्मा के अलावा बचा क्या है? ऐसा है, मैं मुंह पे थूक दूंगा। और कौन खुश नहीं है राम मंदिर से? सब लोग खुश हैं, और जो खुश नहीं है मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको देख लूंगा। क्यों, आप मारेंगे उसे? नहीं बेटा, सिर्फ देखूंगा ही, क्योंकि इस उम्र में अब तो ठीक से डकार नहीं मारा जाता, आदमी कैसे मारूंगा। लेकिन आपने कहा कि ये दूसरा फालतू सवाल है, तो पहला कौन सा था? पहला जब कांग्रेस ने उठाया था कि कौन है श्री राम, क्या है उनका अस्तित्व। बताओ, अपने भविष्य के बारे में पता नहीं था और श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठा रहे थे। अरे उन्होंने तो, कांग्रेस ने तो राम सेतु पर भी सवाल खड़े किए थे। बताओ, हमने उनको चुना था ताकि वो पुल का निर्माण कर सके, कंस्ट्रक्शन करे, डेवलपमेंट करे। पुल बनाना तो दूर, उन्होंने तो राम सेतु को तोड़ने की बात कर दी थी। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। राम सेतु पर उंगली उठा रहे थे, लोगों ने उनके चुनाव निशान से ही उंगली उठा ली थी। तो आप थोड़ा सा जो ये राम मंदिर है इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या डालिए? अबे मैं आदमी हूँ कि टॉर्च हूँ, प्रकाश क्या डालिए? नहीं मतलब इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो चलो बेटा मैं तुमको राम मंदिर के इतिहास की सैर कराता हूँ। सैर मतलब ये कपड़े ठीक है सैर के लिए या बदल के आऊँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुंह पे थूक दूंगा। अबे सैर कराने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा क्या है, राम मंदिर सबसे पहले बनवाया था श्री राम के बेटे कुश ने। उसके बाद सदियों तक राम मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा था, लोग पूजा करते थे। फिर तुम्हें पता है कि 1500 शताब्दी में मुगल आ गए थे, मुगलों का कब्जा हो गया था और उस दौरान कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। एक मुगल था जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने 1528 में श्री राम मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बना दी थी। तब से उस मस्जिद का नाम पड़ गया था बाबरी मस्जिद, जो बहुत सालों तक खड़ी थी। उसके बाद 1717 में जयपुर के राजा हुए जय सिंह द्वितीय, उन्होंने मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा बनवा दिया था ताकि लोग राम की पूजा कर सकें। उसके बाद 1838 में ब्रिटिश के एक सर्वेयर ने देखा कि मस्जिद के अंदर की जो पिलर थी वो मंदिर की थी, और जैसे ही ये बात वहां के लोगों को पता चली तो उन्होंने मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दी। बाद में इसको रोक दिया गया। 1855 में अंग्रेजों ने हिंदुओं को अंदर पूजा करने से मना कर दिया, सिर्फ मुसलमानों को इजाजत दी कि आप नमाज अदा कर सकते हो। इससे हिंदू लोग बहुत आहत हुए और कई कम्युनल राइट्स भी हुए थे। उसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा और राम चबूतरे के ऊपर छप्पर लगाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। 1934 जब आया तो एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें मस्जिद की दीवार एक टूट गई थी। बाद में उसे फिर से बना दिया गया, लेकिन इस बार मुसलमानों को भी मना कर दिया गया, अब तुम भी नमाज अदा नहीं करोगे। फिर 1947 को जब देश आजाद हुआ तो कई हिंदुओं को लगा कि अब वहां पे राम मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।